मेरी 9th क्लास के बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन होता क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का हिंदी मीनिंग होता है त्वरण, ठीक है। अब जानते हैं उसका डिफिनेशन, द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस विद डायरेक्शन, है ना। तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन सबमिट है यहाँ पर, ठीक है। तो द चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड नहीं, इन पर यूनिट टाइम, इकाई समय में जो चेंज होता है उसे ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। हिंदी में उसे त्वरण कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है, कहीं पर भी लिखना होगा तो पूरा एक्सेलरेशन थोड़ी लिखोगे, तो उसके लिए एक छोटा सा सिंबल है, वो है आपका स्मॉल a। उस आधार पर, उस डिफिनेशन के आधार पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्मॉल a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, इन पर यूनिट टाइम। पर का मतलब ही होता है डिवीजन, ये मैंने पहले के वीडियोज में बताया है। तो ये डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। अब मान लीजिए चेंज इन वेलोसिटी कह रहा है, तो व्हेन इनिशियल भी वेलोसिटी इज यू, द इनिशियल वेलोसिटी, ये भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आपका यू है और फाइनल वेलोसिटी जो है भी है आपका, तो डिफिनेशन के आधार पर क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो कैसे पता चलेगा, स्टार्टिंग में जो था और लास्ट में था तो उसको माइनस कर दीजिए, चेंज पता चल जाएगा। पहले 5 नंबर है, फिर 10 हो गया, तो उसमें चेंज कितना आया, 10 माइनस 5, तो वी माइनस यू बाई टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखो आप यहाँ पर वेलोसिटी का होता है क्या, मीटर पर सेकेंड, और टाइम एक और इसमें सेकेंड छुपा हुआ है। तो मीटर ऊपर होगा तो मीटर देखिए ऊपर लिखा हुआ है, और उसका सेकेंड एक नीचे आ जाएगा, और टाइम का सेकेंड एक पहले से है, तो टाइम का सेकंड और वेलोसिटी वाला का सेकंड जो है दोनों मिलकर के सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लीजिए, आप उसको इस तरीके से भी लिखते हो, जानते ही होंगे आप, पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा है आपने। ये जो वेक्टर क्वांटिटी, ये सबको पता चल गया होगा, डेफिनेशन सही है कि वेलोसिटी इसमें ऐड है, तो वेक्टर बिकॉज इसमें डायरेक्शन सबमिट है, बिकॉज वेलोसिटी है इसमें, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग जानते हैं, इस डेफिनेशन के आधार पर, कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, यानी पहले 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, तब एक्सेलरेशन निकालिएगा अगर, तो वी माइनस यू करिएगा, तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, तो इस तरीके से हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, और देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, कि कभी भी एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, एक स्पेसिफिक टाइम पर नहीं, ऐसा होता है कि आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तभी होगा, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, आप रास्ते में कभी स्पीड में 80 के स्पीड से जा रहे हो, 80 किलोमीटर पर आवर के, और 60 के हो गए, उस समय पूछा जा सकता है। तब आपको क्या होगा कि वेलोसिटी आपका डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, देन एक्सेलरेशन जो है वो आपका निगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन निगेटिव भी आ सकता है, तो पॉजिटिव आएगा कब, जब कम है, ज़्यादा हो गया, और निगेटिव कब आएगा, जब ज़्यादा स्पीड है, वेलोसिटी मेरी ज़्यादा है और मैंने कम कर लिया, और ये दोनों चांसेस हैं। व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ना ज़्यादा ना कम कर रहे हैं, एक स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं कुछ खास टाइम पर, तो हमेशा जीरो आएगा। मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर इनिशियल था मेरा और लास्ट भी 5, क्योंकि किसी भी यहाँ से बीटा जाने में कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप प्रैक्टिकली नहीं लोगे कि हमसे कौन पूछेगा रास्ते में, अरे पैरेलल कोई जा रहा होगा पूछ लेगा, बाइक से वो भी जा रहा होगा पूछ लेगा आपसे, तो अगर आप उसको नहीं बताना चाहेंगे तो नहीं बताएंगे, तो ये तो नॉन प्रैक्टिकल चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में ये लेकर के नहीं चलना है, या मैथ्स में भी लेकर ये सब नहीं चला जाता है, सबको सपोज कर लेना है यहाँ पर कि ऐसा मे बी होगा तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो, बिकॉज अगर यू आपका 10 है और भी अभी आपका 10 है, तो 10 में से चेंज जाएगा तो जीरो हो जाएगा, फिर टाइम का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। अब आगे है निगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है, अब उसको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया, उसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है। तो कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज रिटार्डेशन, ठीक है, तो आप निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन, ऐसा न लिख करके आप बोल सकते हो ये वाला पॉइंट, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन का डिफिनेशन ये दे करके आपको मतलब यही दे सकते हो, ये अच्छा है उसके बनस्पत। अब आगे है एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, दोनों हो सकता है। अभी तो देखा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है। इवनली, इवनली का मतलब होता है समान रूप से, पहले 5 का स्पीड बढ़ा, फिर 5 का, देखिए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, एक स्पेसिफिक टाइम पे।
तब उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं होता है। ये बाई चांस अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और कोई पूछेगा एग्जैक्ट एक टाइम पे तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये कॉमन नॉन यूनिफॉर्म कॉमन है क्योंकि ये हमेशा होते रहता है। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अनइवनली विद टाइम, अनइवनली मतलब होता है यही, पहले 5 का स्पीड था फिर 10 हुआ फिर 5 हो गया फिर 6 हो गया फिर 7, तो इस तरीके से, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि रास्ता कैसा है, वहाँ पर ट्रैफिक कैसा है, तो इन सब के चलते नॉन यूनिफॉर्म। अभी लॉकडाउन है तो अभी आप यूनिफॉर्म कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल कर सकते हो यूनिफॉर्म वाला, लेकिन इसके चक्कर में बहुत सारे लोग एक्सीडेंट भी कर रहे हैं, बहुत स्पीड में जा रहे हैं गाड़ी चला करके। मैं बिल्कुल नहीं चलाता हूँ, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि गाड़ी जो है एक्सेलरेट ज़्यादा ना कर, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ ठीक है। थैंक्स देखने के लिए।